हेलो एवरीवन वेलकम टू डॉक्टर गुंजन क्लासेस माई सेल्फ डॉक्टर गुंजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लाइक कंप्लीट दिस चैप्टर गोइंग टू डू अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर वन ऑफ योर सेकंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग सो दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेस इसके हम लोग चार तीन पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दी और न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पूरा पढ़ा और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है और फ़ूड कैसे डाइजेस्ट होता है और एक्सक्रीट आउट कैसे होता है ठीक है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा सो so, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन uh, सो रेस्पिरेशन क्या होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है एंड हाउ द गैस एक्सचेंज अक इन प्लान्स एंड हाउ इट हैपन्स इन एनिमल्स सो लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू सी दी अदर वीडियो इफ यू वॉन्ट टू डू दब अबव चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज आई गिव यू द लिंक इन द description box so kindly go and watch those videos from there and then uh, continue watching respiration from this uh, video okay so let's start with our video coming back to it what is respiration तो अगर हम बात करें respiration होता क्या है respiration और breathing ठीक है जो आप लोग सब लोग सोचते हैं respiration का मतलब है कि सांस लिया अंदर लिया बाहर छोड़ा ठीक है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड सो वो खाली रेस्पिरेशन नहीं है दैट इज़ अ ब्रीदिंग ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट ठीक है सो ये भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं ठीक है दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं बॉडी के अंदर वो खाना हमारी बॉडी में जाके एनर्जी रिलीज़ आउट करता है ताकि हमारे डिफरेंट फंक्शंस बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो सकें डिफ़रेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म हो सकें सो so हमें उससे खाने से जो एनर्जी को निकाल के हमारी बॉडी में उस एनर्जी को यूज़ करने का पूरा प्रोसेस रेस्पिरीशन कहलाता है सो द डेफिनेशन गोज लाइक दिस इट इज़ दी ऑक्सीडेशन ऑफ इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटीरियल इन सेल्स ठीक है ताकि वो एनर्जी को रिलीज़ आउट कर सकें टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस ठीक है सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरीशन एंड देन समर्गेनिज्म कुछ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें वन इज़ कार्बन डाईऑक्साइड में सेकेंड इज़ वाटर में इसके बारे में हम डिटेल में तो देखो हायर क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं बट इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि जो लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वो प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और जो जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते है ना वो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे सो दिस इज़ यूजिंग ऑक्सीजन इज़ एरोबिक एंड दोज हु डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन दैट इज़ एनारोबिक ठीक है एन लग जाएगा उसके आगे ओके सो इज इट क्लियर द रेस्पिरेशन डेफिनेशन ओके देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ओके okay, अब हम दो एक्सपेरिमेंट्स की बात करने वाले हैं एक हम ह्यूमंस में स्टडी करेंगे एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी इन यीस्ट सो ये आपकी एन में दे रखे हैं इट्स जस्ट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट वॉ इसमें हम लोग प्रूव क्या करने वाले हैं व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट सो वी वॉन्ट टू प्रूव दैट कि जब रेस्पिरेशन होती है ठीक है रेस्पिरेशन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे फॉर दैट वी हैव टेकन हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ली टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी ठीक है फॉ दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाल दिया क्या डाल दिया लाइम वाटर उसके बाद हमने क्या किया हमने जो टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब है लाइक टेस्ट ट्यूब बी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेस्ट ट्यूब बी इसमें हमने एयर को ब्लो किया डायरेक्टली थ्रू अ हमने इसमें एयर को ब्लॉक किया लाइक दिस इज़ द एक पाइप सी ले रखी है इसमें लाइक like, इसको रबर ट्यूब बोलते हैं सो so इसको हमने इसके थ्रू हमने एयर को ब्लो किया ठीक है विद वाइल इन टेस्ट ट्यूब ए हमने क्या किया हमने उसमें एयर को पास किया थ्रू सम पिचकारी और सरिंज सो so ये लैब में एक ऑपरेटर्स पड़ा होता है उसके थ्रू हमने इसमें uh, एयर को पास किया ठीक है सो दोनों टेस्ट में लाइम वाटर था दोनों में हमने एयर पास करी है बट एक में हमने पिचकारी के थ्रू करी है और एक में हमने डायरेक्ट एयर ब्लो कर दी अपने माउथ से ठीक है so, सो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा दोनों के अंदर ही लाइम वाटर जो है वो मिल्की मिल्की हो जाएगा दैट टर्न्स मिल्की मिल्की का क्या मतलब हुआ एक वाइट कलर का ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत लाइट सा है वाइट कलर की एफरवसेंस एक बबलिंग सी आपको देखने में मिलेगी अलग से सो so, जो ये लाइम वाटर था ये मिल्की ट्रांसफर मतलब मिल्की टर्न आउट हो गया तो ये जबकि ऑब्जर्वेशन क्या रही जो टेस्ट ट्यूब बी थी जिसमें हमने खुद से एयर पास की थी उसमें बहुत जल्दी से लाइम वाटर इमीजिएटली टर्न कर गया वेयर एज जिसमें हमने पिचकारी यूज की थी उसमें थोड़ा सा इट टेक्स सम टाइम एज कम्पेयर टू अनदर टेस्ट्यूब ठीक है अनदर केस सो इसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वॉट आर द ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट की जो भी एयर ब्रीद आउट हो रही है ठीक है उसके अंदर क्या है ऐसा कि लाइम वाटर इमिजिएटली मिल्की टर्न हो रहा है सो दैट प्रूव्स की उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वॉटर के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है ये इसके साथ रिएक्ट करके एक केमिकल रिएक्शन हो रही है दोनों के अंदर तो एक कैल्शियम मिल्की कैसे हो गया है? ये दोनों के अंदर जो रिएक्शन हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है जिसके कारण लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है सो दैट प्रूव्स कि जो भी एयर रिलीज आउट हो रही है वो उसके अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आई होप दिस इज क्लियर विद यू ओके सो लेट्स मूव टू द अदर एक्सपेरिमेंट जिससे हमें सेम चीज़ प्रूव करनी है कि जो भी रेस्पिरेशन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है सो so इस केस में हम लोग यीस्ट की बात करेंगे तो so इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली हमने दिस दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन इसके अंदर हमने फ्रेशली इसमें हमने या तो लाइक यू कैन ऐड सम फ्रूट जूस और यू कैन ऐड सम शुगर सोल्यूशन सिंपल एक शुगर सोल्यूशन हमने इसके अंदर डाल दिया ठीक है उसके बाद हमने उसको इस तरह से ये एक रबर रबर कॉक होती है ठीक है ये टेस्ट ट्यूब में आप लैब में आप देख सकते हैं लैब में ये अवेलेबल होता है इसके अंदर हमने ये कॉक लगा दी जिसके अंदर एक होल था और उसमें हमने बेंड करके एक ये ये क्या है ये ग्लास टेस्ट ट्यूब है ठीक है एक ग्लास ग्लास से बनी हुई टेस्ट ट्यूब है जो लगा दी और उसका एक एंड तो हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया ग्लास रॉड थी जो ये और दूसरा एंड उसका एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है हमने लाइम वाटर ठीक है उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला हुआ है लाइम वाटर सो हुआ क्या कि हमने ये एक टेस्ट ट्यूब ली इस टेस्ट ट्यूब में हमने सबसे पहले क्या किया है शुगर सोल्यूशन डाल दिया उसके अंदर हमने थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया ठीक है क्या डाल दिया यीस्ट यीस्ट डालने के बाद हमने इसके ऊपर कॉक लगा के एक ग्लास रॉड फिट कर दी ठीक है और उसका एक एंड इसके अंदर चला गया दूसरा एंड हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली उसमें हमने लाइम वाटर डाला और उसमें हमने ये वाली ग्लास रॉड फिट कर दी सो so, अब अब क्या होगा कुछ ना कोई रिएक्शन तो होगी ही होगी सो so, यीस्ट कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा सो so, इसमें क्या प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे भी जो लाइव वाटर था सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वो मिल्की टर्न हो रहा है सो दैट ऑल्सो टर्नस द लाइम वाटर मिल्की सो ये मिल्की कौन करेगा जो भी अभी हम पढ़ के हटे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही करेगी ठीक है सो so कैसे हो रहा है इसमें कि यीस्ट ने शुगर सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मूव करके ये यह यहाँ पर चली गई और इस इस टेस्ट ट्यूब में जाके उसने लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया सो so हैंस ये क्या प्रोसेस हुआ इसमें फर्मेंटेशन हो गए ओके सो दैट प्रूव्स की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है ड्यूरिंग द रेस्परेशन सो एक और चीज़ अब यहाँ पर देखिए ठीक है इसमें दो रिएक्शन मैं बात करने वाली हूँ एनरोबिक और एरोबिक जब की जबकि आगे हम इसके बारे में रीड आउट करते हैं सो so, जो एरोबिक रेस्पिरीशन uh, होती है उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है ठीक है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रेस्पिरीशन होती है उसको एरोबिक रेस्पिरीशन बोला जाता है और जो ऑक्सीजन uh, की एबसेंस में रिएक्शन uh, होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है सो ग्लूकोस ग्लूकोज से पायर्वेट में कन्वर्जन होती है सो so, ये एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलोसिस जिसके बारे में आप सीनियर क्लासेस में स्टडी करेंगे सो so, ये ग्लाइकोलोसिस हर सेल में होती है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एंड प्रोडक्ट लाइकोलोसिस में क्या बनता है पायरुवेट पायरुवेट बनता है उसके बाद लिंक रिएक्शंस होती हैं लिंक रिएक्शंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे आइदर इसको कंडीशन मिलती है कि एनारोबिक कंडीशन में ये चला जाए और एरोबिक कंडीशन में चला जाए सो फर्स्ट कंडीशन अगर हम एनारोबिक की बात करते हैं विदाउट ऑक्सीजन तो इसका जो एंड प्रोडक्ट रहेगा उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी उसमें इथेनॉल बन सकता है या फिर लैक्टिक एसिड बन सकता है ठीक है और ये कितनी एनर्जी देती है हमें हमें बेसिकली रेस्पिरेशन का काम क्या है जो हम खाना खा रहे हैं उसको यूज़ करके सारा प्रोसेस परफॉर्म करके हमें एनर्जी मिले एनर्जी करेंसी हमारी क्या है यू नो ऑल एनर्जी करेंसी क्या है हमारी एटीपी ए की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई फोस्ट सो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी सो इसमें क्या हो रहा है कि अगर पूरा प्रोसेस जो परफॉर्म होता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सो दैट फाइनल रिजल्ट दे गिव अस टू ओनली टू ए टी पी तो बहुत कम एनर्जी बनती है पूरा प्रोसेस होने के बावजूद भी वेअरइस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो जब ये पायरोट पूरा प्रोसेस परफॉर्म कर लेता है ये एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो इसमें क्या एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी तो जो ये एनर्जी इसमें कितनी एनर्जी बन रही है एक साइकिल में थर्टी से थर्टी टू ए टी पी सो so, इसके डिटेल स्टेप्स अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है बट इवन इफ यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन सी माई अनदर वीडियोज़ जिसमें हम लोग प्लस uh, वन की प्लांट फिजियोलॉजी में ग्लाइकोलोसिस्ट चैप्टर हमने कवर कर रखा है ठीक है उसमें आप रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलोसिस्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं ठीक है सो बेसिकली कमिंग बैक टू दिस कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है सी ओ टू वाटर प्लस एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज थर्टी टू थर्टी टू एटी पी सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो कॉमन रहता है जो कि मैंने बात की ग्लूकोज से पायोवेट में कन्वर्जन होती है ग्लूकोज एक सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है जबकि पायरबेट जो बनता है वो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म में होती है जैसे कि ये एक सेल है यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे होती है यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया आएगा ठीक है इसके बाद ये यहाँ पे मूव कर जाता है ठीक है जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है पायुर्वेट ये फर्दर आगे माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाता है ओके सो लेट्स टू द अभी आपको समझ में आ गया होगा जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन ठीक है ये रेस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ लेट्स रिवाइज इट इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर एयर एब्सेंस ऑफ एयर का क्या मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और देन सेकेंड पॉइंट इज़ इट रिलीजेज लेस एनर्जी लेस एनर्जी मतलब टू ए ठीक है और ये होती किसके अंदर है यीस्ट के अंदर यीस्ट के अंदर पायरोवेट जो है किसमें उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सो ये फर्मेंटेशन होती है ये सारे पॉइंट्स अभी अभी मैंने आपको समझाए ठीक है जब ऑक्सीजन नहीं होती समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स इन अवर बॉडी ठीक है जैसे भी कोई एथलीट है ठीक है वो बहुत तेज भाग लिया उसने बहुत बहुत रनिंग कर ली तो उसके मसल सेल्स में क्या होगा पायरबेड जो है वो ब्रेकडाउन होके क्या बन जाएगा लेक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा थ्री कार्बन कंपाउंड में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या होगा उसको उसके अंदर लैक्टिक एसिड जब बनता चला जाएगा तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएंगे क्रैम्प्स होने का चांस रहता है ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है जब हम तेज़ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं हम टायर्ड हो जाते हैं हमारा सांस फूल जाता है दैट मीन्स कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो पायरोवेट था हमारे सेल्स में वो लैक्टिक एसिड में मसल सेल में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और जिसने हमें क्रैम्प कॉज कर दिया ठीक है सो ये वाली डायग्राम की अगर आप बात करें तो इसमें भी आप देखिए यही चीज़ बताई जा रही है कि ग्लूकोज जो है दैट इज गाइकोलिसिस होती है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया पायरोवेट में ये सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल था ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया उसके बाद अगर तो इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है तो क्या बन जाता है फॉर्मेंटेशन एनोरॉबिक रिएक्शन में सो so, रिलेक्टेट बन सकता है या फिर इथेनॉल बन सकता है और इसमें जो है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है और फाइनल जो एटीपी फॉर्म होती है दैट इज टू एटीपी ठीक है सो दिस इज अबाउट द एनोरॉबिक रेस्पिरेशन अब हम बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की एरोबिक रेस्पिरेशन ये होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ठीक है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है थर्टी से थर्टी टू ए की बात कर रहे थे हम लोग इसमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसके अंदर अब हमने पहले क्या बात करी इसमें पायर्वेड जो है सबसे पहले ग्लाइकोलिस किस में हुई ये अगर एक सेल है ग्लाइकोलिसिस किस में हुई ये साइटोप्लाजम है ठीक है साइटोप्लाजम है साइटोप्लाजम में ग्लाइकोलिस हुई ग्लाइकोलोसिस में क्या हुआ ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया में कन्वर्ट बन गया पायर में कन्वर्ट हो गया ठीक है और यहाँ पे ये यह आ गया माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी फॉर बैड राइट दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो फाइनल हमारा पायोवेट बना था वो यहाँ पे अब मूव कर गया ठीक है so, सो ये कहाँ पे जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में सो so, फाइनली ये कितना क्या प्रोडक्ट देगा आपका फर्दर क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ठीक है सो वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज आउट कर देगा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जो एनर्जी बन जाती है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एनर्जी फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज थर्टी टू थर्टी थर्टी टू थर्टी टू ए टी पी सो एनर्जी रिलीज हुई जो सेलुलर रेस्पिरेशन में वो इमीजिएटली एटीपी की सिंथेसिस में लग जाती है एटीपी की सिंथेसिस कहाँ से होगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी इज़ इसकी अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो प्लीज़ राइट इट डाउन एडीपी डी इज़ एडिनोसिन डायफॉस्फेट अगर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और लग जाता है और एनर्जी यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सो तो ये क्या बन जाता है फॉस्फेट ग्रुप एड होके इसके साथ अटैच हो जाता है जब इसके साथ अटैच होगा तो दो थे और एक फोस्फेट ग्रुप और आ गया ठीक है दो फोस्फेट थे ये एक फोस्फेट और आ गया तो ये क्या बन गया एडिनोसिन ए से एडिनोसिन टी से क्या बन गया थ्री ट्राई ट्राई फोस्फेट ठीक है सो ए इसमें फॉर्मेशन हो गई जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है सो so, ये ए आगे काम क्या करती है सारे की सारी सेलर एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है ये सबको एक किस्म से उनका फ्यूल है अब गाड़ी है बैटरी है उसको रन करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ना तो हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है ए जो हम खाना खाते हैं हम उसको न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बाद उसमें रेस्पिरेशन होता है दैट मीन्स वो जो खाना था है ना ग्लूकोज जो हमने खाया उसको हम हमारी बॉडी ने डिफरेंट ब्रेक डाउन करके डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करके एक एनर्जी निकाली वो एनर्जी थी एटीपी और वो एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है जिससे हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं ठीक है सो so, जब टर्मिनल फॉस्फेट लिंक होता है एटीपी में तो वो वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है जिसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है हमारे सेल्स में ठीक है ग्लूकोस आया ये सेल मेम्ब्रेन थी सेल का स्ट्रक्चर रखा है सेल की आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है ग्लूकोज की प्रेजेंस में यानी कि ये बेसिकली पायरोवेट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये में आगे चला गया सो इसमें क्या हो गया एटीपी की फॉर्मेशन हो गई अगर आप बात करें एक बैटरी का बैटरी है ठीक है जस्ट एन एग्जाम्पल इसको यूज़ करके हमें क्या क्या एनर्जी मिलती है मैकेनिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो सिमिलरली ऑन द सेम नोट ए को अगर हमारी बॉडी यूज़ करेगी तो वो कहाँ कहाँ करेगी फॉर मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और नर्व इम्पल्सिस ठीक है डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ अवर बॉडी दैट इज़ परफॉर्म बाई यूजिंग ए टी पी अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी करेंसी सॉरी गैस एक्सचेंज इन केस ऑफ प्लांट्स सो गैस एक्सचेंज प्लांट्स में किसके थ्रू होगी स्टोमेटा के स्टोमेटा क्या होते हैं एक छोटे छोटे से ऐसे ग्रीन लीव्स के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं लीव में रूट्स में ये सब के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे बहुत छोटे छोटे से ब्लैक कलर के ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं और इसमें वो इसको गार्ड सेल्स भी बोला जाता है ठीक है स्टोमेटा में गार्ड सोरी स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था इस तरह से तो इसमें वाटर आता है तो ये स्वेल कर जाते हैं स्वेल करने के कारण इसमें यहाँ पे क्या होता है स्पेस क्रिएट हो जाती है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है और ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाती है ठीक है सो दिस इज द गार्ड सेल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई और ऑक्सीजन बाहर आ गई जैसे स्टोमेटा क्लोज क्लोज होते हैं ठीक है थीके? तो ये बाहर आ जाता है इस तरह से ओपन होने पे अंदर चला जाता है सो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट्स में इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ये तो होता है डे का कॉन्सेप्ट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है ठीक है खाना बनाया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जबकि ऑक्सीजन को रिलीज आउट किया जाता है जबकि रात को वॉट हैपन इन नाइट नाइट में फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है ठीक है तो कार् वो कहते हैं कि हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं सो कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में रिलीज आउट हो जाती है जबकि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट नहीं होती ठीक है ओके सो दिस हैपन्स गैस हाउ गैस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स सो दिस इज बाय स्टोमेटा जिसमें गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं ज अकर्स इन केस ऑफ द एनिमल्स एनिमल्स में कैसे होती है सो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट चीजें होती हैं तो so, यहाँ पे क्या होता है कि टाइप्स ऑफ गैस एक्सचेंज सर्फिस एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन व्रीद करते हैं पानी के अंदर पानी में ही एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल्स तो टेरेस्ट्रिय एनिमल्स में वो सॉरी uh, इक्वेटिक एनिमल्स में वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीद करते हैं ठीक है जैसे कि फिशेज केस में फिश केस में क्या होता है फिश केस मेंॉरी वॉट इज हि फिश केस में uh, फिशेस के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो रहता है वो गिल्स रहता है ठीक है जिसके पास इनके पास फिशेस में गिल्स के साथ साथ गिल स्लिट्स भी होते हैं जो उनकी आइज के पीछे प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर कवरिंग होती है ओपरकुलम ओपर्कुलम नाम की कवरिंग होती है गिल्स के अंदर गिल्सलिट्स के ऊपर ठीक है जो ब्रीदिंग के टाइम पर क्या करते हैं फिश जो है अपने गिल्सलिट्स को ओपन और क्लोज करते रहते हैं ठीक है माउथ और गिलस्लिट्स को ओपन और क्लोज करते रहते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर ठीक है So, इसमें क्या होता है कि वो पानी जो है माउथ के थ्रू लेते हैं और गिल्स के थ्रू पंप कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो चला जाता है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन उनकी बॉडी में होता है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू एयर तभी उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक एनिमल्स का बहुत तेज रहता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स तो आंसर क्या रहेगा इसका द अमाउंट ऑफ डिजॉल्ड ऑक्सीजन जो है उनकी बॉडी में वो कम होता है एज कंपेयर टू द एयर राइट नाउ so अगर हम बात करें अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स रहते हैं ब्रीथ करने के लिए एटमोसफेरिक ऑक्सीजन को ठीक है सो ये सरफेस एरिया को अपना बढ़ा लेते हैं ताकि डायरेक्ट विच इज़ इन कॉन्टैक्ट जो कि एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में रहता है सो सर्फेस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत फाइन और डेलीकेट होता है फॉर ईजी गैस एक्सचेंज के लिए जिसकी वजह से जो हमारे या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर उन जो ये सरफेस है उनकी बॉडी के अंदर होता है ठीक है तो कुछ पैसेजेस होते हैं जो कि बहुत रिक्वायर्ड होते हैं ताकि एयर जो है वो इन एंड आउट हो सके फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सो ये बात करी हमने गैस एक्सचेंज इन केस ऑफ एनिमल्स हमने एक्वेटिक एनिमल्स की बात करी और फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करी और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बिकॉज जो उनके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द एयर सो दैट्स वाई देयर ब्रीदिंग रेट इज फास्टर सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर विद यू एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो इफ यू Uh, got the points uh, in this video. So, kindly like and share this video with your friends and subscribe to this channel for further videos. And thank you so much. Bye bye. Take care. God bless you.